कानपुर चैप्टर ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम का विषय रोल ऑफ सीएमएस एक्सेलेंटरिंग इंडियन इकोनॉमी पर किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सांसद सत्यदेव पचौरी ने दीप जलाकर किया। सीएमए रुचिर गुप्ता ने बताया कि इस सेमिनार में जीएसटी के नियमों के बारे में जानकारी दी गई है। वहीं भारत सरकार की चल रही योजनाओं के बारे में भी लोगों को समझाया गया कि जिस तरह से कोरोना काल में भारत की इकोनॉमी पूरी तरह से ठप हो गई थी, तो आज के समय में इकोनॉमी में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसके बारे में सेमिनार में सभी को बताया गया। तो कानपुर के स्टॉक एक्सचेंज में सेमिनार का आयोजन किया गया। कानपुर चैप्टर ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट, ये विषय रहा इस राष्ट्रीय संगोष्ठी का। कार्यक्रम का शुभारंभ सांसद सत्यदेव पचौरी ने दीप जलाकर किया। तो वहीं इस सेमिनार में जीएसटी के नियमों के बारे में भी लोगों को बताया गया। इसके साथ ही भारत सरकार की चल रही योजनाओं के बारे में लोगों को समझाया गया। इसके साथ ही जिस तरह से कोरोना काल में भारत की इकोनॉमी पूरी तरह से ठप हो गई थी, बावजूद इसके इकोनॉमी में अच्छी खासी बढ़ोतरी को भी इंगित किया गया। इसके बारे में सेमिनार में सभी को बताया गया। तो कानपुर चैप्टर ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स में राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन स्टॉक एक्सचेंज में किया गया। इस कार्यक्रम का विषय रोल ऑफ सीएमएस एक्सीलेंटरिंग इंडियन इकोनॉमी रही और कार्यक्रम का शुभारंभ सांसद सत्यदेव पचौरी ने दीप जलाकर किया। तो इस सेमिनार में सभी लोगों को जीएसटी के बारे में बताया गया। इसके साथ ही भारत सरकार की चल रही तमाम योजनाओं के बारे में भी समझाया गया। तो कोरोना काल में भारत की इकोनॉमी जो कि पूरी तरह से ठप मानी जा रही थी और उसके बाद से इकोनॉमी में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखी जा रही है और इसके बारे में भी इस सेमिनार में सभी को बताया गया, समझाया गया। तो कानपुर चैप्टर ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स में राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन स्टॉक एक्सचेंज में किया गया। आज का सेमिनार रोल ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट इन एक्सेलरेटिंग इकोनॉमी पर आधारित है। आज की अर्थव्यवस्था में जीत उसी की होती है जिसकी लागत, जिसके प्रोडक्ट की, सर्विसेज की लागत सबसे कम आती है। आज चाइना के प्रोडक्ट पूरी दुनिया पर इसीलिए राज कर रहे हैं क्योंकि उनके प्रोडक्ट की लागत विश्व में सबसे कम आती है। भारत आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर अग्रसर है, वो भी अपने प्रोडक्ट की, उत्पादों की, सर्विसेज की कीमत को लगातार कम कर रहा है। इस उद्देश्य में सबसे बड़े सहायक जो बनेंगे वो होंगे कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स। हम प्रोफेशनल्स जो हैं वो लागत को कम करने में लगातार अग्रसर रहते हैं और जो है अपने प्रोडक्ट की कीमत को कम करते हैं। मैं सीएमए रुचिर गुप्ता हूँ और मैं यहाँ इंस्टीट्यूट का मेंबर हूँ, ICW इंस्टीट्यूट का मेंबर हूँ। आज यहाँ पे हमारा सेमिनार हो रहा रोल ऑफ CMA इन एक्सेलरेटिंग इंडियन इकोनॉमी। जो हमारी इकोनॉमी इस समय तेज़ी से ग्रूम कर रही है, कंपटीशन हो रहा है, हम लोगों को इम्पोर्ट कम करके और एक्सपोर्ट की तरफ ध्यान दे रहे हैं। सारा ही लोकल माल, लोकल फॉर वोकल के ऊपर जो हमारा फोकस चल रहा है उसके ऊपर है कि हम अपनी कॉस्ट को कैसे रिड्यूस करें, उस कॉस्ट को रिडक्शन के लिए और उद्यमों को क्या सहायता मिल सकती है। GST जो एक हमारा बड़ा ही चैलेंजिंग विषय है, इसके ऊपर हमारा एक सेशन चल रहा है। उसके ऊपर लघु उद्योग, जिसके ऊपर प्रधानमंत्री जी का कहना है कि एंटरप्रेन्योर खुद बने, ना कि नौकरी की तरफ भागे, बल्कि नौकरी आप दें, तो उसके ऊपर MSME की क्या प्रोमोशनल स्कीम्स हैं और MSME से हम कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @JMDNews.